उत्तर प्रदेश में कोरोना की मौत के तमाम अंबार अभी थमा नहीं था कि अलीगढ़ में हुई जहरीली शराब से मौतों के आंकड़ों में एक बार फिर लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों से जहरीली शराब को लेकर सवाल जवाब खड़े होते रहे, लेकिन इन सवालों के बीच सरकार ने शराब माफियाओं के खिलाफ कई बार मुहिम छेड़ी, लेकिन आबकारी विभाग ने शराब माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिसका हर्जाना अलीगढ़ में लगभग 27 लोगों की जान देकर चुकाना पड़ा, जबकि 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि बरेली के थाना बारादरी पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी। थाना बारादरी क्षेत्र के कागर टोला में अवैध रूप से शराब का खेल चल रहा है। पुलिस ने मुखबिर के द्वारा बताए गए जुबैर इंटरप्राइजेज के घर से अवैध रूप से कच्ची शराब के साथ देशी व विदेशी शराब की बोतलें भी बरामद की हैं। देखा जाए तो अलीगढ़ में हुई मौतों के बाद प्रशासनिक अमला एक्शन के मूड में नजर आया। पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी सिटी रविंद्र सिंह ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी कवाड़ी का कार्यकर्ता है, जिसके साथ ही वो गोदाम में अवैध रूप से कच्चे शराब बनाने का कारोबार करता है, जिसमें आरोपी के पास से मिस इंडिया के 600 रैपर के साथ 8 से 10 लीटर कैन में अल्कोहल व यूरिया के साथ अन्य उपकरण बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर इसमें लिप्त अन्य लोगों की तलाश कर रही है। मुखबिर खास के द्वारा इंस्पेक्टर एक्साइज को एक सूचना मिली कि कांकर टोला चौकी थाना क्षेत्र बारादरी में एक व्यक्ति है जो अवैध शराब से संबंधित कुछ कार्य करता है। उक्त सूचना पर विश्वास करके एक्साइज इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ थाना बारादरी गए। वहां से उनकी टीम को लेकर थाना बारादरी और एक्साइज इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने कांकर टोला चौकी क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति के घर में दबिश दी तो पता लगा कि वहां पे उसका गोदाम भी है और उस गोदाम से बहुत सारे सामान ऐसे मिले जिससे साफ हो गया कि वो व्यक्ति जो अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त है। उस व्यक्ति के घर से जो एक मिस इंडिया जैसी शराब है उसके 600 रैपर मिले, प्लास्टिक के कैन में 8 से 10 लीटर के आसपास में अल्कोहल मिला, 2000 के आसपास में QR कोड मिला, प्लास्टिक के कैन में यूरिया मिला, स्टैंप पैड मिला, खाली बोतलें मिली, ढक्कन मिली और ये सारे उपकरण जो है का यूज करके ये अवैध शराब का कारोबार करता था। यह व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि यह व्यक्ति कबाड़ी का काम करता है और यह मुख्य रूप से कांच की बोतलें और शराब की बोतलें खरीदता है और शराब की बोतलों को साफ करके उस पर, चूंकि इसके पास QR कोड है, उसका लेबल लगा के साफ करके उसको बेचने का काम करता है। हम इस बात की जानकारी कर रहे हैं कि यह व्यक्ति कहाँ से QR कोड लाता था और ये किस व्यक्ति को शराब सेल करता था, इसके सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को हम पता लगा रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित है। जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे सारे को हम चेन बनाकर सभी को हम पकड़ेंगे और थाना बारादरी पे अभी मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसका नाम इनाम मियां है। ये कांकर टोला क्षेत्र का रहने वाला है और मुख्य रूप से ये दिखाने के लिए कबाड़ी का काम करता था, लेकिन ये अंदर ही अंदर ये अवैध शराब का धंधा करता था। थाना बारादरी और एक्साइज इंस्पेक्टर के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है और आगे भी हम इस तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे और इस संदर्भ में थाना पे एक मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जो भी इसमें सम्मिलित लोग हैं उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का हम लोग काम करेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।